अर्की उपमंडल मुख्यालय के चौकान मैदान में स्वास्थ्य नीला एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा की वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉक्टर रचना गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के सीमित साधन होते हैं, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों को अपने बच्चों से 10वीं कक्षा के उपरांत पाठ्यक्रम का चयन सोच समझ कर करवाना चाहिए ताकि भविष्य में आजीविका के लिए संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी महिलाओं तथा बेटी को अपने घर पर ही आजीविका के साधन जुटाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने इस अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनना चाहिए तथा अपने बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कार्यक्रम में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण सोलन के परियोजना अधिकारी राजकुमार, जिला कृषि अधिकारी सोलन डॉक्टर सीमा कंसल तथा उप निदेशक पशुपालन विभाग सोलन डॉक्टर बीवी गुप्ता ने अपने विभाग से संबंधित विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। देवधार मंदिर के ठीक नीचे आप सब महिलाओं का जोश और उत्साह देकर मेरा मन बहुत अच्छा हुआ। उसका कारण क्या है कि लगभग आप लोग 11 बजे से बैठे हैं और 11 से भी शायद पहले मुझे ये बता रहे थे, तो 2-2.5 घंटे बैठना और किसी को सुनने के लिए बैठना, ये जो संयम है और जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी है, वो महिलाओं में ही हो सकती है। स्थिरता, मैंने आते ही यहाँ पे जब ये स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम शिमला में बहुत देखते हैं प्रदर्शनियाँ, हम बहुत सालों से देखे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जिस मेहनत के साथ एक एक चीज़ को, स्थानीय उत्पाद को बाहर मार्केट पे बेचने के लिए या रखने के लिए मेहनत करी महिलाओं ने, उसमें समय भी बहुत लगता है और उसकी मार्केटिंग भी एक दिक्कत है, लेकिन बावजूद इसके भी महिलाओं ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और ग्रुपों में आगे बढ़ती जा रही है। ध्यान रखना चाहिए, आप अपने लिए अगर बच्ची नहीं है, लड़का है, तो उसके लिए आप PPF भी खोल सकते हैं। आपको एक पैन कार्ड पे एक ही PPF खुलता है, लेकिन अगर आपने अपना खोल रखा, बेटे का खोलना चाहते हैं, तो एज गार्जियन भी आप उसको खोल सकते हैं। तो आप उस बच्चे के लिए, लड़के के लिए PPF में इन्वेस्ट कीजिए, 7.1% की ब्याज दर है उसमें और वो 15 साल बाद आपको मिलता है। और 15 साल में आप, जैसे जब हम कैलकुलेशन देखते हैं, अगर आपने हर साल 1.5 लाख रुपया दिया है तो आप 22 से 22.5 लाख देते हैं, 15 साल बाद आपको 44.5 से 45 लाख मिलता है, तो डबल हो के आपको अपना पैसा मिल रहा है। तो बिना किसी रिस्क के वो सरकार ने उसको पूरा गारंटी के साथ है कि आपको आपका 15 साल में मिल ही जाएगा वो पैसा। 4-5 साल बाद आप उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं कि जितना आपने अपने PPF में डाल रखा है, एक रियायती दर पे आप लोगों को उसके अगेंस्ट लोन मिल जाता है। 15 साल तक सरकार उसको हाथ नहीं लगाने। आपका फैसला के लिए अटकी से नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।